पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव और मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री रहे कसरावत के विधायक सचिन यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, उपलब्धियां और सफलता अर्जित करने पर मंगलवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र कसरावत के 700 से अधिक छात्र छात्राओं, शिक्षकों और प्राचार्यों को सुभाष यादव शिक्षा रत्न सम्मान 2023 से अलंकृत किया है। सुभाष यादव फाउंडेशन के तत्वावधान में बोरावा के इंजीनियरिंग कॉलेज JIT के ऑडिटोरियम में आयोजित इस सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए अरुण यादव ने कहा कि जल्द ही हम बोरावा में यूनिवर्सिटी की स्थापना और शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि निमाड़ अंचल में विद्यार्थियों को मेडिकल की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भी खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और शुरुआत की कोशिश भी जारी है। मध्य प्रदेश में पूर्व कृषि मंत्री रहे कसरावत के विधायक सचिन यादव ने सम्मानित विद्यार्थियों से कहा कि वे आज से ही अपना लक्ष्य तय कर उसे हासिल करने में जुट जाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर यहां के विद्यार्थी अपने भविष्य को संवारें। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। दिवस का पावन पर्व पर मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और तमाम गुरुजनों जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस अहदे तक पहुंचने का अवसर दिया, मैं उनको नमन करता हूं। स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में हर वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर हम क्षेत्र के मेगावी छात्र छात्राओं को और हमारे जो गुरुजन रिटायर्ड हो गए हैं उनका सम्मान करने का कार्यक्रम रखते हैं। उसी का ये अवसर है और सुभाष यादव जी की स्मृति में, पिताजी की स्मृति में ये कार्यक्रम किया गया था। मुझे बेहद खुशी है कि निमाड़ क्षेत्र के हमारे छात्र छात्राएं उत्कृष्ट शिक्षा लेकर बहुत आगे बढ़ रहे हैं और ये संस्थाएँ जो आप सबको विदित है कि कई वर्षों से अनवरत शिक्षा क्षेत्र में पिताजी के लगाए गए संस्थानों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें सभी की गुरुजनों की और क्षेत्र के हमारे लोगों के बड़ा आशीर्वाद है और उद्देश्य यही है कि प्रोत्साहन करें बच्चों को और अच्छी शिक्षा लें, वो मेडिकल क्षेत्र में जाएं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएं, IAS क्षेत्र में जाएं, IPS बने, सिविल सर्विसेज में जाएं, ये तमाम क्षेत्रों में अवसर को मिले, यही इस अवसर पर हम लोग प्रार्थना भी ईश्वर से करते हैं। हमारा निमाड़ अंचल का मुझे खुशी ये बताते हुए आपको कि आज विगत 25 वर्षों से ये संस्थाएँ यहाँ पर काम कर रही है और 2000 से अधिक बच्चे, निमाड़ के बच्चे हमारे विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। मुझे गर्व है कि हमारे संस्थान से पढ़े हुए बच्चे इसरो में काम करते हैं एज ए जूनियर साइंटिस्ट जो मुंबई और अहमदाबाद में नियुक्त हैं, तो ये हम लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है और सभी उत्कृष्ट विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ इस अवसर पर। वो तमाम गुरुजनों जिन्होंने हम सबको पढ़ाया लिखाया उनको प्रणाम करता हूँ, जो सेवानिवृत्त हुए हैं उन सभी गुरुजनों की मैं दीर्घायु की ईश्वर से कामना करता हूँ और अनवरत ये प्रयास हमारा हर साल जारी रहेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।